हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन और नई शुरुआत, सो दिन की शुरुआत हो चुकी है। आखिरकार दो दिन बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। दो दिन में ऐसी बस काम काम में बिजी थी तो शूट नहीं कर पाई, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला घर के काम में, और बस थोड़ा सा मन सा भी, तबीयत सी भी डाउन सी थी इसलिए। तो चलिए अब नए दिन के साथ मिलते हैं। और आज है क्या है, जैसी का वेनसडे, और डेट हो चुकी है कितनी, 30। तो 30 हो गई, 13 सितंबर। हाँ, कल से लविस के एग्ज़ाम है और टाइम हो चुका है, देखिए 1:30 बज गया, मतलब बजने वाला है। और मैं गई थी जस्सिका को स्कूल से लेने आज, क्योंकि जस्सिका के डैडी गए हुए हैं बाहर, तो वो शाम तक आएंगे, इसलिए आज मैंने आज आती है, लेकिन मैं फिर भी चली गई। मैंने कहा चलो आज मैं चलती हूँ, देखती हूँ। तो मैं फ़र्स्ट टाइम गई हूँ आज जस्सिका के स्कूल, और वहाँ से वहीं पर एक उसकी किसकी दुकान होती है, बेकरी की दुकान होती है ना, तो वहीं पर कोने पर ही, तो इसलिए मुझे बुलाते हैं, हाँ आओ। तो मैं दिलाया फिर सामान रसिका के लिए और लविस के लिए, लेकर आया लेकिन खाया नहीं। और मैं गई थी रिक्शे से, दूर है बहुत स्कूल, और रिक्शे से ही आई हूँ लेकर जस्सिका को। मैंने अप डाउन वाला बुक कर लिया था, और चलिए दिखाती हूँ क्या लेकर आई हूँ और मिली है जस्सिका से। तो देखिए ये तो लाई है जस्सिका, एक कॉफी वाली और एक केसर वाली। अच्छा, एक कॉफ़ी की और एक केसर की, और एक ये खा चुकी है जस्सिका इसमें, और इसमें है पेस्टी वगैरह, और ये क्या है, कहाँ गया, बस बंद साइज में लग रही होंगे, मतलब सब्जियां वगैरह, पनीर वगैरह, ये ऊपर हैं जो, यही होंगे, लविस आएगा जब खोलेंगे। बाकी एक जस्सिका ने खा लिया और दो और हैं इसमें। अरे टेप लगा दी ना, टेप लग गई। और इधर देखिए जस्सिका, हाँ तो आज जस्सिका मैं लेकर आई हूँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, हाँ मैं है हाथ कर रही हूँ। और कुछ कैसा रहा स्कूल का दिन? और अब छुट्टी है जस्सिका की, परसों जाना, चलो ठीक है। और गाइस कल मैंने परहेज करी थी, मैंने परसों कपड़े धोए थे बहुत सारे, मैं गुस्से में थी, मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए, क्योंकि काफ़ी दिन, दो दिन तक तो लगातार बारिश होती रही, और एक दिन पहले मुझे धोने थे, फिर बारिश की वजह से नहीं धोए, वो काफ़ी इकट्ठे हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा। और कल धोए, मतलब परसों धोए थे और कल, दोनों मिला के सुखा के आयरन की, और आज फिर धोने थे कि ये है, इसलिए मैं, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए सूट नहीं कर पा रही थी बस, फिर क्योंकि कपड़े कपड़े धोना, खाना भी बस चावल बनाए थे, चावल ही वही शाम को खाओ, अब भी रहा नहीं जो खा लेते हैं। तो चलिए गाइस अभी मिलेंगे, अब आएगा लविस, उसे लेने गए हैं उसके बड़े पापा दादाजी, तो चलिए अब लविस के साथ मिलेंगे, मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैं चाय बनवाऊँगी जस्सिका को, जस्सिका को मैंने पार्टी दे दी, तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। सो गाइस, जैसा कि मैंने बोला था, और मैं कपड़े धो के आ चुकी हूँ, और टाइम हो चुका है करीब 7 बजने ही वाले हैं, और जस्सिका और लविस को लेने गए हैं वो ट्यूशन से, क्योंकि स्कूल से आने के बाद ना लविस सो गया और मैं भी सो गई, फिर उसके बाद बस चाय पी और फटाफट उसे ट्यूशन भेजा, फिर मैं कपड़े धोने चली गई। मैंने कहा ड्रेस वगैरह ना कल स्कूल पहनना, तो ड्रेस होती है वेनसडे की अलग होती है और वैसे नॉर्मल डे की अलग होती है, तो बस मैंने कहा चलो वॉश कर देती हूँ। मैंने बोली कल तो मैंने परहेज की थी और आज मैंने फिर कपड़े धो लिए, वही है ना, जब एक दो हो जाते हैं फिर इतने निकल जाते हैं कि, तो मैंने दोपहर बनाए थे पुलाव, तो रखे हैं अभी पुलाव ही, और बाकी देखते हैं बच्चे कुछ खाएंगे तो मंगा देंगे ना, और बाकी हमारे वो तो अपना डाइट फूड ही बनाएंगे, वो तो वही खाएंगे, उनकी जो डाइट होती है। और मैंने ड्रेस चेंज कर ली थी, मतलब ड्रेस चेंज किया, मतलब मैं गई थी जस्सिका को लेना, इतनी गर्मी लग रही थी कि मैंने तुरंत चेंज कर ली। तो चलिए दिखाती हूँ, चावल तो ज़्यादा नहीं बनाए थे मैंने, कि बस थोड़े बहुत चल जाएँ, शाम में इतना खाना नहीं खाते कोई भी, बच्चों को भी भूख नहीं लगती और मुझे, मैं तो बहुत कम ही खाती हूँ। तो चलिए किचन में चलते हैं, और सीरियल शुरू होने वाला है मेरा तेरी मेरी जोड़ियाँ। कल ना हमारा सेटअप बॉक्स ख़राब हो गया, और कल मेरा मूड इतना ख़राब हो गया था कि मैंने सीरियल नहीं देखा, तो उससे पहले मैं चलिए आपको किचन में ले चलती हूँ। तो देखिएगा इस टाइम 7 बजने ही बज गए, देखिए हो गया शुरू, और आजकल अंधेरा, अब दिन छोटे हो गए ना, जल्दी हो जाता है, मतलब 6 बजे ही करीब हो जाता है। तो चलिए, ओहो मेरी कमर में तो वैसे ही दर्द हो रहा था, और आज कपड़े धो लिए,
तो फ्रिज में रख दिए थे, ज़्यादा नहीं रख, तो सफाई करी थी ना किचन की, तो ये बचे हुए हैं, रखे हैं, काफ़ी हैं ये भी, इन्हें भी खा लें, वो भी बहुत हैं। बाकी मैं बच्चों को तो ले आई थी बाहर से कुछ, और क्या है, वो पनीर भी रखा, मेरे ध्यान नहीं रहा, पनीर भी रखा है, और ये मिर्ची ख़राब हो गई। चलो कोई नहीं, चलो एक मारे। और हाँ गाइस, मैं जैसा कि मैंने शेयर किया था, ये लाई थी मैं बोतल, लेकिन ये खुली नहीं, ओपनर नहीं है ना हमारे। मुझे तो सबसे ज़्यादा ना जैसिका वो बनाती है स्लाइस वाले, वो पसंद है। अभी आएगा हमारा चटोरा, तो चलिए गाइस मैं देख लेती हूँ अब सीरियल, अब बच्चे आ जाएंगे तब मिलते हैं। ये गाइस देखते हैं लविस किचन में कर क्या रहा है। तो ट्यूशन से आके पनीर रखा था जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, तो उसमें काट के सैलेड क्या बनाया है, ये चाट मसाला डल रहा है, सॉस डल, सॉस है नहीं वरना सॉस भी डलती है ना, कुछ और डालूंगा, कुछ और क्या एक। अच्छा ये पहली बात तो इतने बड़े बड़े पीस क्यों किए ये, ओ इतने बड़े हद है बिल्कुल, देखे कितने बड़े बड़े पीस, ये शेफ मास्टर बनेगा, मास्टर शेफ। चाट मसाले से अच्छे लग रहे हैं। अब देखिए प्याज, ओहो बोलो लो क्या, हाँ यहाँ कर ले, हाथ ना कट जा। तो अपनी चाट तैयार कर रहा है, करने देते हैं खाने दो, क्योंकि वैसे भी ये परसों लाए थे और परसों का ये बचा हुआ रखा था, ज्यादा ही ले आए थे। तो चलिए गाइस अभी बुलाती हूँ, चाय बनवाती हूँ, बहुत दिन हो गए आपसे चाय भी शेयर नहीं करी, तो चलिए अभी मिलते हैं। तो गाइस देखिए लविस को बोला था कुछ चाय के साथ स्नैक लेकर आओ, तो लविस इतना सारा ले आया बेचारा, एक एक बार कभी कोई कुछ बका रहा, कभी कोई, तीन बार चक्कर लगा दिए। दुकान तो हमारे सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे तो जाना पड़ता है, लेकिन कोई बात नहीं। और कल है लविस का क्या एग्ज़ाम, और इधर जस्सिका आ चुकी है ट्यूशन से नरेटो की टी शर्ट के साथ और फ्रेंडों से चैट करते हुए, अभी थी उसका, अब इसकी कमजोरी है गुलगुली, अब ये गुलगुली से उसने ले लिया, और ये मैगी बनेगी अब जस्सिका बनाएगी, पहले बन रही है चाय, आज मैगी पार्टी होगी हमारे घर में, क्योंकि मैं कपड़े धो के आई थी, मैंने कह दिया, मैंने कहा या तो मैं कपड़े धोऊंगी या मैं खाना बनाऊंगी, टाइम नहीं मिलता इतना, अकेले लगी रहती हूँ बहुत टाइम हो जाता है ना। तो कुछ बोलना चाहोगे लविस, समझने को कुछ नहीं है, बार बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी, जैसे मोबाइल क्यों आता है समझ में। अच्छा बस गाइस मैं अपनी सीट पे ही बैठी हूँ और बस चाय बन रही है, चाय जैसी का बंद कर दी तो ले आओ, और कल जाएंगे हम जहाँ जाएंगे जैसिका और मैं और भी हैं, तो आपको सबसे मिलवाएंगे, तो काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है कल का। नहीं एग्ज़ाम है ना, नहीं याद करना है ना, इतना टाइम नहीं लगाऊंगी मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, बस कुछ ज़रूरी काम है और बस कल ही देखिएगा, वो थोड़ा सस्पेंस में रखते हैं कल के लिए। और गाइस दो दिन ब्लॉग नहीं डाला, आपने तो मिस किया ही, लेकिन हम मैंने भी पूरा मिस, मुझे भी थोड़ा मतलब काम रहता है ना कि हाँ करना है, और दो दिन नहीं किया तो ऐसा लग रहा था बहुत कि मैंने क्यों नहीं किया। बस अब ना फटाफट मैं अपनी सिलाई वगैरह शुरू कर दूँ, फिर उसके बाद सफाई करनी है पूरे घर की नवरात्रों से पहले, एक सप्ताह मुझे पूरा लग जाता, पूरी हर चीज़ डीप क्लीनिंग करती हूँ, टैल वगैरह होगी, ये दीवारें ना वॉश हो जाती हैं, ये तो इन्हें वॉश करना, सारा बिल्कुल ऐसे चमक जाता, नया पेंट हो गया हो। और हमारे पेंट को ना बताऊँ कितने साल हो गए, कम से कम 8 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए। बस एक ये वाली दीवार थोड़ी सी ख़राब हो गई है, ये इधर इधर मतलब वो दर्द देख रही है इधर, ये वाले, ये भी मेरी गलती थी, क्योंकि मैं गीज़र ऑन कर देती थी रात को, और सारी रात वो गर्म पानी रहता था ना, तो इसके पीछे ही है गीज़र बाथरूम, तो वो उसकी हीटिंग से ये दीवारें ख़राब हो गई, इतनी सी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई, बाकी सब सही है, बाकी कुछ भी हमारे पेंट में कहीं भी बच्चे कहीं भी गंदगी नहीं है, टैल लगी हुई है, टैल वॉश हो जाती है,
अभी नहीं बनाना, मैगी लेट बनाऊंगी। हाँ कोई नहीं, डैडी आएंगे जब बनाएंगे, ठीक है। तो गाइस मेरी चाय आ चुकी है और मेरी और लविश की चाय। लविश बंद करो। हाँ तो मैं चाय पी लेती हूँ, मैं इतनी पीती नहीं हूँ, लेकिन जस्सिका भर के दे देती है। चलो कोई नहीं, अभी मिलते हैं गाइस आपसे थोड़ी देर में। किरकार जस्सिका ने सुन लिए कि मैगी बना दो, पहले गैस चला के पानी तो रख सकते हो। लाइटर कहाँ है? आधा काम तो मैं ही करूँगी। नहीं कहते थे? अच्छा फिर, अरे लाइट ऑन नहीं है तो इधर रख दी मैंने। हाँ मैंने 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 मुझे तो खाने नहीं है, आई डोंट लाइक। बना ले और एक में चावल गरम कर देना, ठीक है। चावल भी और क्या ये रखे नहीं है, ठीक है। तो इधर मैगी बन रही है हमारी आज, और चावल बस यही खाएगा रहेगा। चलिए गाइस चलते हैं, बनाने देते हैं जैसे का वो। और इधर ये बैठा है, ये बैठा है बस, पता नहीं क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता। अच्छा सो गाइस यही थी आज की दिनचर्या। सो आज की दिनचर्या में बस जैसे का वो स्कूल से लेने गई, वो सूट नहीं किया, रिक्शे से गई थी, रिक्शे से आई थी, बस उसमें कुछ खास नहीं था। फिर उसके बाद बस घर के काम किए और अब जैसे का मैगी बना रही है बस, और चावल यही खाएंगे। यही थी आज की दिनचर्या, और कल काफ़ी अच्छा दिन होने वाला है। तो कल मिलेंगे कहीं और नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइस, और ऐसे ही प्यार बनाए रखें तो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैगी बनने में कितना टाइम लगेगा? 8 मिनट। तो 2 मिनट की मैगी झूठी होती है, ये 8 मिनट की मैगी है। तो चलिए मिलते हैं कल।